अभी मैं आपको एंड्रॉयड फोन की 5 सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में वन बाय वन करके बताऊंगा, और अगर अभी तक आपने इन सारे फीचर्स को नहीं कर रखा है इनेबल या फिर डिसेबल, तो फिर आपका मोबाइल फोन फ्यूचर में कभी भी पूरी तरह से हैक हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है, या फिर अगर आपका मोबाइल फोन पूरी तरह से हैक हो चुका है तो इन सारे फीचर्स को यूज करने पर आप पता कर सकते हैं आपका मोबाइल फोन किसी ने हैक भी किया है या फिर नहीं, और साथ ही आप इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एंड्रॉयड फोन की जितने भी फीचर्स के बारे में बताऊंगा, ये सारे के सारे फीचर्स हर एक एंड्रॉयड फोन में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए अभी मैं आपको जो भी प्रोसेस बताऊंगा इन सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, ताकि आपका मोबाइल फोन सेफ रहे, सिक्योर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन को अपडेट कर लीजिए न्यू वर्जन में, अगर अपडेट आया हुआ है तो। अब आपको चेक कैसे करना है कि मेरे मोबाइल फोन में अपडेट भी आया हुआ है या नहीं, तो सिंपल आप यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सबसे नीचे आप आ जाइए, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अबाउट डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कलर ओएस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्जन अप टू डेट, मतलब कि अभी जो है मेरा करंट वर्जन है, किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर आपके केस में अपडेट आया है तो यहाँ पर आपको अपडेट नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा इसी पेज पर। ठीक है, यहाँ पर आप अपडेट पर क्लिक कीजिएगा, बस आप अपने डिवाइस को अपडेट कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, इससे आपका जो फोन है काफी हद तक सिक्योर हो जाता है, क्योंकि नए अपडेट आने के बाद एंड्रॉयड फोन में जो भी बग होती है, जो भी कमियां होती है, सारी चीजों को इम्प्रूव किया जाता है, फिक्स किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप अपडेट कर लीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से अपने डिवाइस में सेटिंग्स को ओपन कीजिए। ओपन करने पर इस तरह का पेज आएगा, अब नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिस्टम सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए जितने भी मैं स्टेप बताऊंगा, जितने भी फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा गूगल प्ले प्रोटेक्ट, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे सामने क्या आया, नो हार्मफुल एप्स फाउंड। अब इससे फायदा क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपके डिवाइस में कोई अननोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया, या फिर ट्रैकर को इंस्टॉल कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया गया किसी के भी द्वारा, ताकि आप पर नज़र रखा जा सके, निगरानी किया जा सके, तो ऐसे में अगर आपके डिवाइस में कोई अननोन एप्लीकेशन या हार्मफुल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखा है, जिससे कि आपके मोबाइल फोन को थोड़ी सी भी चोट पहुंच सकती है, यानी कि आपको दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पर अगर आप स्कैन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्कैनिंग किया जाएगा मैन्युअली, और उसके बाद बता दिया जाएगा अगर आपकी डिवाइस में कोई हार्मफुल ऐप्स पाया गया तो यहाँ पर आपको वह ऐप दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे केस में देखिए नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड बताया गया है। ओके, और यहाँ पर देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इन दोनों ऑप्शन को आप इनेबल करके रखिएगा, जैसा कि मैंने कर रखा है, इससे ऑटोमेटिक ये ऐप्स को फाउंड करता रहेगा, हार्मफुल ऐप्स को, आपको बार बार मैन्युअली स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये आपको सेटिंग्स कर लेना है, फीचर को इनेबल कर लेना है, इससे आप सेफ रहेंगे। अगर आपको कोई हार्मफुल यहाँ पर एप्लीकेशन दिख जाता है, तो सबसे पहले आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पर ढूंढिए, अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सेटिंग्स में आइए, और यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर वह एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। सिंपल आप उस एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा, जैसे मैंने क्लिक किया जियो सावन पर, और उसके बाद यहाँ पर परमिशन पर क्लिक करके, जो परमिशन मैंने नो परमिशन अलाउड कर रखा है, उसी तरीके से आपको सबको डोंट अलाउ कर लेना है। उसके बाद उस एप्लीकेशन को यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक करके ओके कर देना है, एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेना है। अब नेक्स्ट जो सिक्योरिटी फीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे यूजर्स बोलते हैं मेरा बैंक बैलेंस खाली कर लिया गया, मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, मुझे पता भी नहीं चला। तो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आपके डिवाइस में कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है, या फिर जिसको आपने खुद से इंस्टॉल किया है लेकिन वो सिक्योर नहीं है, जिस वजह से वह एप्लीकेशन ही आपको प्रॉब्लम फेस करवा रही है, मतलब कि आपका पैसा इधर से उधर कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है पेमेंट प्रोटेक्शन का, इस पर क्लिक कीजिए।
इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है और यहाँ पर 100% होने के बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि आप सिक्योर है या फिर नहीं। जैसे कि मेरे केस में बताया गया है इन्वायरमेंट इज सिक्योर, सिस्टम सिक्योरिटी, इस पर देखिए यहाँ पर राइट टिक लगा हुआ है और ऐप सिक्योरिटी इसमें भी राइट टिक लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, नो मेलेशियस एप्स फाउंड, और यहाँ पर क्या बताया गया है, सिस्टम इंटीग्रिटी इनेक्ट इनटैक्ट यूएसबी डाटा ट्रांसफर नॉट इनेबल्ड। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपको भी टिक दिख रहा है, जैसे यहाँ पर टिक लगा हुआ है, अगर आपको भी दिख रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए जितने भी मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं पेमेंट वाला, जैसे कि अमेजोन पर मैंने कई बार खरीदारी किया है तो यहाँ पर पेमेंट तो करना पड़ता ही है, उसी तरीके से बजाज फिंसर ऐप है, क्रेड ऐप है, गूगल पे, मोबी क्विक, पेटीएम, फोनपे, SBI कार्ड, योनो लाइट, SBI, ये सारे के सारे ऐप एक पेमेंट वाला ऐप है, यानी कि इस ऐप से आप पेमेंट कहीं भी करते हो या रिसीव करते हो या फिर बिल वगैरह पे करते हो। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी भी तरह का मैलिशियस ऐप नहीं पाया गया। ठीक है, अगर कोई ऐसा मैलिशियस ऐप होता है जो आपके बैंक अकाउंट को डिटेक्ट कर रहा है या फिर आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, मतलब कि दिक्कत है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा और आप फटाफट उस एप्लीकेशन को डिसेबल कर दीजिएगा। कुछ इस तरीके से ऐसे करके डिसेबल कर देना है ताकि पेमेंट हो ही ना पाए, और उसके बाद उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर देना है, तो इससे आपका जो बैंक अकाउंट है खाली होने से बचा रहेगा। ओके, इसको आप जरूर से जरूर टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा पेमेंट प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन को, काफी गजब का फीचर है। उसके बाद यहां पर नीचे आइए, एक ऑप्शन है रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ, इसको मैंने इनेबल कर रखा है। अब इससे फायदा क्या हुआ सो भी मैं आपको बताऊंगा, सिंपल इस पर क्लिक कीजिए। ये डिसेबल था कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से बंद था, अब इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना स्क्रीन लॉक पासवर्ड इनपुट कर दीजिए। तो देखिए यह ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अब इससे फायदा क्या होगा सो मैं आपको बता देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो फोन है कोई भी ले लेता है, ठीक है, मतलब कि चोरी कर लेता है, आपका फोन खो जाता है। ऐसे में किसी दूसरे यूजर्स के हाथ या फिर चोर के हाथ आपका मोबाइल फोन लग जाता है, चोर क्या करता है तुरंत के तुरंत आपके मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लेता है, और जब आप उस नंबर पर कॉल करते हैं, फोन पर कॉल करते हैं, तो आपको स्विच ऑफ बताया जाता है। लेकिन अगर आप इस फीचर को इनेबल कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका मोबाइल फोन किसी के हाथ लग भी जाए, चोरी भी हो जाए, तो इस सिचुएशन में चोर जो है आपके मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर ही नहीं पाएगा। कैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने इस ऑप्शन को इनेबल किया, ठीक है, अब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए पावर ऑफ का बटन है, मैं इस पर टैप एंड होल्ड करता हूँ थोड़ा देर के लिए, देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर पावर ऑफ का ऑप्शन आ चुका है, मैं इसको स्लाइड करूँगा, तो देखिए यहाँ पर फिंगर मांगा जा रहा है मेरे को, या फिर यूँ कहिए पासवर्ड मांगा जा रहा है। जब तक मैं या तो फिंगर नहीं दूंगा तब तक मेरा मोबाइल फोन ऑफ नहीं होगा, या फिर जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक मेरा मोबाइल फोन ऑफ नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए चोर अपना थंब यहाँ पर डालता है तो उसका थंब डिटेक्ट ही नहीं किया जाएगा, फिर मोबाइल फोन आपका ऑफ होगा ही नहीं, और आप फोन लगाओगे तो फोन लगेगा आपके मोबाइल फोन पर। तो ये काफ़ी गजब का फीचर है आपके मोबाइल फोन की सेफ्टी के लिए, आप इसको जरूर से जरूर इनेबल कर लीजिए। मैं फिलहाल इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से इस फीचर को आप इनेबल करके चोरी होने से बच सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइए, नीचे आने के बाद एक और गजब का फीचर आपको देखने को मिलेगा जो कि है डिवाइस एडमिन एप्स, इस पर क्लिक कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पर आप कैप्चा कोड को डाल दीजिए जो यहाँ पर डाला हुआ है ताकि आप इसको ओपन कर पाओ। उसके बाद एक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन का नाम दिख रहा होगा, फाइंड माई डिवाइस, ये तो ठीक है सिक्योर एप्लीकेशन है और ये एक्टिवेट भी हो रखा है, लेकिन इसके अलावा कोई अननोन एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कि आपने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया था या फिर उसके बारे में आप जानते तक नहीं हैं, बट यहाँ पर इंस्टॉल हो रखा है और एक्टिवेट भी हो रखा है। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है चूँकि आपने उस एप्लीकेशन को या फिर हैकर्स ने आपके डिवाइस में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके एडमिन बना रखा है आपके डिवाइस का। अब आप जो भी कुछ करेंगे, चाहे फ़ोन कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, या फिर आप लोग अपने बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यूजर आईडी पासवर्ड इनपुट कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, ओटीपी डालिए, कुछ भी, सारी एक्टिविटी पर यह एप्लीकेशन नजर रख रहा है और आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर कोई अननोन एप्लीकेशन आपको दिख रहा है तो सिंपल आप क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए और यहां से डीएक्टिवेट कर दीजिए उस एप्लीकेशन को, और उसके बाद अनइंस्टॉल कर दीजिए उस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो यह काम आपको अवश्य कर लेना है और टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना है। उसके बाद देखिए यहां पर एक और ऑप्शन है ट्रस्टेड एजेंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दो एजेंट्स हैं, जैसे कि ट्रस्टेड स्मार्ट लॉक गूगल के द्वारा ही यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, और एक है सिस्टम UI, दोनों के दोनों ऑप्शन इनेबल हो रखे हैं। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो सही तरीके से मोबाइल फ़ोन को मैं यूज ही नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है जो कि इनेबल हो रखा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है।
ठीक है, वहां पर आपको चेक कर लेना है, क्योंकि होता क्या है कि गूगल सर्विस के नाम से या फिर और भी तरह तरह के नाम से यहाँ पर आपको ऐड कर दिया जाता है, गूगल्स के द्वारा इनेबल कर दिया जाता है हैकर्स के द्वारा, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होता है कि यह गूगल का ही है या फिर हैकर्स का है, और वो इनेबल रहता है यहाँ पर सर्विस। उसके बाद आपके मोबाइल फोन को पूरी तरह से हैक किए हुए हैं, आप जो भी कुछ करते हैं सारे मैसेज को रीड कर रहा है, वीडियो कॉल को देख रहा है, आपके ओटीपी को रीड कर रहा है, ठीक है, सब कुछ आपका डिटेक्ट कर रहा है और अपने ओनर के पास वो भेज रहा है सर्विस। तो ऐसे में आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल डिसेबल कर देना है कुछ इस तरीके से उस सर्विस को। इसको मैं इनेबल कर देता हूं, क्योंकि ये सिक्योर है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सर्विस यहां पर है तो उसको आप डिसेबल कर दीजिए। इससे आपका मोबाइल फोन सिक्योर रहेगा और आपका जो पेमेंट मेथड एप्लीकेशन है वो भी सब कुछ सेफ रहेगा। और कभी भी आप अननोन वेबसाइट से या फिर गूगल से, क्रोम से, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर किसी भी एप्लीकेशन का एपीके वर्जन इस्तेमाल ना करें, इंस्टॉल ना करें। फ्री के चक्कर में आप कोई भी अननोन या फिर वायरस वाला एप्लीकेशन, मैलिशियस वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। मुझे उम्मीद है दोस्त, अब आप लोग एंड्रॉयड फोन की ये 5 सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और साथ ही अब आप लोग अपने डिवाइस में इनेबल और डिसेबल भी कर लिए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल चल रहा है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।